एलिस इन बॉर्डरलैंड के एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें वही बिल्डिंग दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग में सभी लोग टेगर से बच गए थे। आरिसू बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि वो टेगर लेडी मारी गई थी। फिर वहाँ उसाकी इनकरेज करती है कि ये सब इस गेम का ही एक हिस्सा है और फिर उसाकी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था। तभी हमें सिबुकी को दिखाया जाता है, उसका वीसा आज खत्म हो जाएगा और छोटा का भी। फिर वहाँ पर आरिसू और कारुबे भी आ जाते हैं, जहाँ पर कारुबे सबको बताता है वे कि उसने बीच के बारे में सुना और वो बोलता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, या पता वहाँ हमें बचाने के लिए सेल्टर हो। तभी सिबुकी बताती है मैं और छोटा कैसे जा सकते हैं क्योंकि हमारा वीसा तो आज एक्सपायर हो जाएगा। तभी कारुबे कहता है हमारी टीम गेम को क्लियर करेंगे और कल बीच ढूंढेंगे। फिर अगले सीन में आरिसू बालकनी में खड़ा होते और वो ओसाकी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सिबुकी आती है लेकिन आरिसू को टेगर दिखाई देती है क्योंकि वो अभी भी गिल्ट में था। फिर वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर सिबुकी उसे इनकरेज करती है। दूसरी तरफ कारुबे अपनी फियांसे को याद कर रहा होता है, उसकी रिंग को देखकर फिर रात हो जाती है और कुछ प्लेसेस पे लाइट ऑन हो जाती है। आरिसू, छोटा और सिबुकी कारुबे का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें आज गेम खेलने के लिए जाना था। तभी सिबुकी बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए, हमारा वीसा एक्सपायर हो चुका है। पर आरिसू उन्हें कुछ देर और रोक लेता है कारुबे के लिए। फिर वहाँ कारुबे आ जाता है और सभी गेम अरेना में पहुँच जाते हैं और इस बार उन्हें फोन के साथ कुछ टूल्स और गॉगल्स भी मिलते हैं। सभी एक एक फोन पिक कर लेते हैं। तभी वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि सभी गॉगल्स को पहन ले और आगे बढ़। सभी गॉगल्स पहन लेते हैं और उनका फेस एक बड़े से स्क्रीन में शो होता है। उस गॉगल्स के कारण सभी एक दूसरे को देख पाते हैं। अब उनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स हैं और गेम शुरू हो चुका है। डिफिकल्टी लेवल 7 ऑफ हार्ट्स है। तभी आरिसू को याद आता है कि हार्ट्स का मतलब ये गेम धोखेबाजी का होगा और नंबर 7 इसका डिफिकल्टी लेवल है, जिसे सभी घबरा जाते हैं। और उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम हाइड एंड सीक है, जिसमें कोई एक पर्सन वुल्फ रहेगा और बाकी सब लैम्स, और जो वुल्फ को ढूंढ लेगा वो वुल्फ बन जाएगा और जो वुल्फ होगा वो लैम्स बन जाएगा। टाइम लिमिट 15 मिनट और अंत तक जो वुल्फ रहेगा वो जीत जाएगा और लैम्स के गले में जो कॉलर है वो ब्लास्ट हो जाएगा। और शुरुआत में छोटा वुल्फ रहता है और जिसे सभी घबरा जाते हैं क्योंकि इस गेम में कोई एक ही सर्वाइव कर पाएगा। छोटा अपने गले की कॉलर को निकालने की कोशिश करता है पर आरिसू उसे रोकता है क्योंकि ये ब्लास्ट हो सकता था। और तभी छोटा और आरिसू का आई कॉन्टेक्ट होता है और जिस वजह से आरिसू वुल्फ बन जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आई कॉन्टेक्ट होने से वुल्फ लैम्स में चेंज हो सकते हैं। फिर सिबुकी आई कॉन्टेक्ट करके वुल्फ बन जाती है और वहाँ से भाग जाती है और एक जगह में छुप जाती है, जिसे कारुबे उसके पीछे जाता है, जहाँ छोटा मना करता है कि उसके पीछे मत भागो, हम सभी मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तभी कारुबे सिबुकी को ढूंढ लेता है और फिर दोनों के बीच में फाइट होती है और कारुबे वुल्फ बन जाता है। और फिर वहाँ आरिसू आता है और उन्हें रुकने को बोलता है, जिसे कारुबे और आरिसू में आई कॉन्टेक्ट होता है, जिसे अब आरिसू वुल्फ बन जाता है, जिसे अब सिबुकी आरिसू पर हमला करने जाती है। लेकिन आरिसू वहाँ से भाग जाता है। तभी वो पे छोटा आता है और वो सिबुकी को पकड़ लेता है और उन्हें जाने को बोलता है। अब आरिसू एक जगह पे रुक कर उस कॉलर को खोलने की कोशिश करता है पर वो कॉलर नहीं खुलता। और दूसरी तरफ कारुबे, जो कि आरिसू को ढूंढ रहा होता है और छोटा सिबुकी को पकड़े रखता है। फिर आरिसू अपने कुछ पुराने दिन याद करता है, कारुबे छोटा के साथ जो हो मस्ती किया करते थे। और अब बस 5 मिनट बचे होते हैं और कारुबे अपनी फियांसे को याद कर रहा होता है। आरिसू इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं इस गेम को ड्रॉप करने वाला, तुम लोग मेरे लिए मायने रखते हो, मैं इस गेम को अब और नहीं खेलूंगा। और आरिसू वुल्फ बना रहता है, वो सबको आवाज देता है लेकिन कारुबे रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उसने आरिसू के लिए खुद को सेक्रीफाई करने का डिसीजन लिया होता है। और छोटा सिबुकी का मुंह बंद करके उसे पकड़े रखता है और उसे भी रिप्लाई करने नहीं देता। आरिसू सबको पुकारते रहता है और उन्हें ढूंढते रहता है लेकिन सभी छिप जाते हैं। और अब बस कुछ सेकंड बचे रहते हैं। कारुबे और छोटा आरिसू से बात करते हैं, वो अपने पुराने दिन वो कितना मस्ती किया करते थे। छोटा बोलत है तुम हमारे लिए जिंदा। और अब सिबुकी भी शांत हो जाती है और टाइम खत्म हो जाता है और आरिसू के सामने कारुबे का कॉलर ब्लास्ट हो जाता है और छोटा और सिबुकी का भी कॉलर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे वो तीनों मारे जाते हैं, जिसे आरिसू बहुत रोता है। और यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।